हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसे हमने बिना सिलाई मशीन के बनाया है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है एक येलो कलर में लेस और नेट का फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक, साथ में हमने सिल्क थ्रेड का यूज़ किया है और बॉल चैन। इतनी चीज़ों से हमने बनाया है इसे। अगर आपके पास इसमें से कोई सामान नहीं है तो मैंने उसका रिप्लेसमेंट भी बताया है, आप वीडियो पूरी देखिएगा, और सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट भी बता दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के एंड में गोपाल जी को पहना के भी दिखा दिया है। यहाँ एक चीज़ रह गई है गाइस, अभी मुझे यहाँ पे एक ब्लू कलर में बूटी लगानी है, तो मैंने गोपाल जी को पोशाक पहना दी थी, अभी मैं लगा लूँगी। तो ये है आज का इनका फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस पोशाक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस। ये देखिए, हमने यहाँ पे येलो कलर में नेट का फैब्रिक कट किया है। ये हमने अरमान नेट का फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच और टोटल लंबाई हमने 90 इंच रखी है। 45-45 इंच के दो फैब्रिक कट करके ज्वाइंट कर लिया है, 90 इंच हो गई है लंबाई। हम सभी साइज़ के लिए सबसे पहले चौड़ाई देख लेते हैं। तो 0 साइज़ के लिए हमने रखनी है 2.25 इंच। तो हमने यहाँ पर देखिए इंच टेप लिया है, ये है हमारा 2 इंच 2.5 इंच 2 इंच और 2.5 इंच के बीच में हो जाएगा हमारा 2.25 इंच। 0 साइज़ के लिए 2.25 इंच, 1 नंबर के लिए 2.5 इंच, 2 नंबर के लिए 2.75 इंच, 3 नंबर के लिए 3 इंच, 4 नंबर के लिए 3.25 इंच, 5 नंबर के लिए 3.5 इंच, 6 नंबर के लिए 3.75 इंच, 7 नंबर के लिए 4 इंच, 8 नंबर के लिए 4.25 इंच, 9 नंबर के लिए 4.5 इंच और 10 नंबर के लिए 4.75 इंच। तो हमने अभी आपको चौड़ाई बताई, अब हम लंबाई देख लेंगे सभी साइज़ के लिए। तो 0 साइज़ के लिए रखनी है 55 इंच, 1 नंबर के लिए 60 इंच, 2 नंबर के लिए 65 इंच, 3 नंबर के लिए 70 इंच, 4 नंबर के लिए 75 इंच, 5 नंबर के लिए 80 इंच, 6 नंबर के लिए 50 इंच, 7 नंबर के लिए 90 इंच, 8 नंबर के लिए 95 इंच, 9 नंबर के लिए 100 इंच और 10 नंबर के लिए 105 इंच। तो ये हमने आपको मेजरमेंट बता दी सभी साइज़ के लिए। अब हमने यहाँ पर येलो कलर में ही ये कॉटन की लेस ली है, इसे हम लगाएंगे। आप कोई भी लेस ले सकते हैं, आप चाहें तो बिना लेस के भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी पोशाक फिर भी। तो ये देखिए, ये लेस हमने यहाँ पे ऐसे करके लगाना है, हमने सुई में धागा डाल दिया है। सबसे पहले यहाँ से हल्का सा मोड़ लेते हैं लेस को, फिर यहाँ पे हम सुई धागे की हेल्प से अटैच करेंगे। सुई धागे की हेल्प से बहुत पक्की सिलाई होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दीदी पता नहीं सिलाई खुल ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी सिलाई लगा के हमें यहाँ पर अपनी लेस अटैच करनी है। फ्रंट से आपको ध्यान देना है कि छोटी सिलाई हो, बैक से अगर बड़ी होगी तो भी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, हमने इतने दूर जॉइंट किया है। ये देखिए, ऐसे करके हम अपने पूरे फैब्रिक पे लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये लेस अटैच कर दी है। अब हम यहाँ ऊपर से इसे सिलेंगे। हमें यहाँ पर छोटी छोटी सिलाई लगानी है और पूरे स्ट्रिप पर हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके सिंपल सी। ये देखिए, ऐसे सिलाई लगा के इकट्ठा करना है। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल के इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करके हमने इसे 5.5 इंच में किया है। हमें अपनी कमर 5.5 इंच रखनी है 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। सभी साइज़ के लिए आप मेजरमेंट देख लें। 0 साइज़ के लिए आपको इकट्ठा करके 2 इंच में करना है, कमर 2 इंच रहेगी। 1 नंबर के लिए 2.5 इंच, 2 नंबर के लिए 3 इंच, 3 नंबर के लिए 3.5 इंच, 4 नंबर के लिए 4 इंच, 5 नंबर के लिए 4.5 इंच, 6 नंबर के लिए 5 इंच, 7 नंबर के लिए 5.5 इंच, 8 नंबर के लिए 6 इंच, 9 नंबर के लिए 5.5 इंच और 10 नंबर के लिए 7 इंच। ये हमने आपको मेजरमेंट बताई। अब हम इसे नीचे की तरफ से सिलेंगे। ये देखिए, यहाँ से तो हमने सुई में धागा डाल लिया है। यहाँ से भी हमें सेम वैसे ही सिलना है, छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे, बट हम लेस के एकदम ऊपर से ही लगाएंगे। ये देखिए, एकदम जस्ट ऊपर से है लेस के। ये देखिए, इस तरह से सिलाई हम अपने पूरे फैब्रिक पे लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे
नीचे से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के फैब्रिक को इकट्ठा करके ये देखिए इसे हमने गोल कर लिया है पूरा, ये हमारा राउंड शेप में आ गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें नीचे इसके अस्तर लगाना है, तो जब राउंड शेप में आ जाएगा तो अस्तर के फैब्रिक पे आप इसे रख के और कट कर लें। देखिए मैंने कट कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, हल्का हल्का सा एकदम, ये देखिए चारों साइड से हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा करके हमने अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है। येलो कलर में हमने दो पीसेस कट किए हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे सुविधाएँ की हेल्प से। तो देखिए कैसे सिलाई लगानी है, हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे, जैसे जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वो यहाँ पे कवर हो जाए, ऐसे करके हमने सिलाई लगानी है। आप थोड़ा बड़ा ही कट करें, छोटा ना कट करें। अगर छोटा हो जाएगा तो फिर बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे करके हमें पूरे राउंड पे अपने सिलाई लगानी है। ये देखिए बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है, आप आसानी से बना लेंगे अपने गोपाल जी के लिए। तो चलिए हम ऐसे करके पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी पूरे राउंड पे, और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसे हमने कट करके हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम छोटी सी कमर कट करेंगे। बहुत बड़ी नहीं कट करनी है, छोटी सी कट करेंगे। ये हमने कमर कट कर दी। अब देखिए हमने सिलाई यहाँ से शुरू की थी, तो हम इसे यहीं से कट करेंगे, क्योंकि हम धागा नहीं कट कर सकते हैं, नहीं तो खुल जाएगा। हमने सिलाई की है हाथ से। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ से यहाँ फिर यहाँ इतनी दूर सिलना है, जैसे हमने इधर सिला है। चलिए सिल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इधर और इधर भी सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ से ऐसे करके और पलट देना है, इसीलिए हमने डबल फैब्रिक लिया था, जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आए। ये हमने इसे पलट दिया। अगर आप इसके ऊपर अभी एक बार प्रेस लगा देंगे तो ये पूरा एकदम प्रॉपर गोल सा शेप ले लेगी। यहाँ से ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हम अपनी ड्रेस लेंगे और ड्रेस को यहाँ पे ऐसे रख के और सिल देंगे। हमें कमर से अटैच करना है, तो हमने यहाँ पे सुई में धागा डाल लिया है, सिल लेते हैं। और एक चीज़ और है गाइस, हमने यहाँ पर डोरी ली है, तो उसे हम यहीं पे लगा लेंगे। पहले हमने अपने धागे को एक दो बार अच्छे से फंसा लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे गोल्डन कलर में डोरी ली है, तो इसे लगा लेंगे, जिससे ये हमारे बांधने के काम आएगी। पीछे से यहीं पे अटैच कर देते हैं। ये देखिए अटैच हो गया। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे करके सिल देंगे पूरा, ये यहाँ से और यहाँ तक, और इधर भी हम एक डोरी लगा लेंगे। चलिए हम इतना काम करते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये कमर अटैच कर ली है, और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा घेर बना है। आप देखें कितना सुंदर लग रहा है ये देख के, ये ऐसे करके आएगा। और अब हम बना लेते हैं चोली। तो चोली के लिए हमने यहाँ पर देखिए फैब्रिक नेट का लिया है, इसकी चौड़ाई हमने रखनी है, ये देखिए मैं आपको मेज़र बताती हूँ। हमने कमर रखी थी 5.5 इंच, तो क्या करना है, 5.5 से ही इंच टेप को ऐसे डबल करना है, और ये आएगा 11 इंच। तो हमको इसकी चौड़ाई ये लंबाई 11 इंच रखनी है, और ये जो चौड़ाई है हमारी, हमने 5.5 इंच लिया था, तो 5.5 इंच का हम आधा करेंगे। ये देखिए तो आएगा हमारा जितना भी आता है इंच टेप, ये देखिए ये हमारा है 2.75 इंच। तो चौड़ाई हमने रखनी है 2.75 इंच, मतलब कि हमारी कमर 5.5 इंच थी, तो कमर की डबल हमने कर ली इसकी लंबाई, और कमर की आधा हमने कर लेनी है चौड़ाई। आपको सभी साइजेस में ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम दोनों साइड से इस तरह से लेस लगा लेंगे। ये हमने लेस ली है, जैसे हमने नीचे घेर पे लगाई थी सेम वैसे ही यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे दोनों साइड लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ दोनों साइड लेस लगा ली है, हमने सुई में धागा डाल के ले लिया है। अब हम यहाँ नीचे सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने अपने घेर पे नीचे से सिलाई लगाई थी वैसे ही हमें यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। ये देखिए नेट के ऊपर से लगाएंगे तो फ्रिल अच्छी आएगी, ऐसे करके, और ऐसे ही देखिए हमें नीचे नीचे पूरा लगा लेना है, और ऊपर से भी पूरे पे लगाना है। इसे हम
इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से ऐसे लगा लेंगे और फिर ये जो ऊपर से हमने लेस लगाई है यहाँ से भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। चलिए अभी तक काम कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया, ये नीचे की साइड से हमने नेट को सिला है और ऊपर की साइड से हमने लेस ही सिल ली है क्योंकि ये हमारे नेक पे आएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये अस्तर का फैब्रिक लिया है, देखिए काफ़ी लंबाई चौड़ाई का लिया है। हम क्या करेंगे, इसे इधर से फोल्ड करेंगे, थोड़ा इधर से भी फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें इसे लगाना है इसके पीछे से, जिससे ये देखिए आर पार ना दिखाई दे। यहाँ से ऐसे करके हम लगाएंगे, तो ऐसे करके हम लगा देते हैं यहाँ पे, सुईधागे की हेल्प से हम सिलेंगे। और हमें यहाँ पे डोरी भी अटैच करनी है बांधने के लिए, ये देखिए ये हमने यहाँ पे अटैच किया। और अब हमने यहाँ पे ये डोरी ली है, गले पे बांधेंगे, तो इसे हम पीछे से यहीं पे अटैच कर लेंगे जिससे हम इसे नेक पे बांध सकें। तो लगे हाथ हम इसे भी अटैच कर लेते हैं, ये देखिए हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ से आके इधर अटैच कर लेंगे और नीचे से भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। नीचे से हमें इसे पूरा फैला लेना है, यहाँ से अस्तर को भी हल्का हल्का सा फैला लेंगे क्योंकि ऊपर की साइड पतला होता है और नीचे की साइड थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये देखिए ऐसे करके। और यहाँ पे हम सिल लेंगे और फिर एक्स्ट्रा ये फैब्रिक कट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हमने एक डोरी ली है, इसे भी हम पीछे से लगाएंगे। चलिए हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी चोली भी कंप्लीट हो गई है, अभी गोपाल जी को पहना के दिखा दूँगी कि आप कैसे पहना सकते हैं। इसे भी हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में सिल्क थ्रेड लिया है, ये सिल्क का धागा है, और ये हमने नॉर्मल थ्रेड लिया है ब्लू कलर का। और इसके साथ हमें चाहिए बॉल चेन, और साथ में हमने ली है ये एक हार्डबोर्ड, ये देखिए एकदम हार्ड है हमारा कार्डबोर्ड, और ये हमने थ्रेड लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है। यहाँ पे हम सिल्क थ्रेड से करेंगे, तो ये जो हमने थ्रेड लिया है इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। बस इसे हम इसलिए लगा रहे हैं जिसे हम बाद में कट कर सकें। ये देखिए हमने एक राउंड किया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल हमें ऐसे ही 100 राउंड करना है इसके ऊपर। चलिए कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए 100 बार करने के बाद हमने यहाँ से धागे को कट करके हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये बॉल चेन लेंगे और यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद हमने अपने इस वाले थ्रेड से ये धागा कट कर लिया है, और इसे यहाँ से इसके अंदर से हम डाल के निकालेंगे, हमें बांधना है। ये देखिए यहाँ से हम इसे थोड़ा सा और खींच लेते हैं हल्का सा बस, और अब हम यहाँ पे एकदम टाइट करके बांधेंगे। ये देखिए ऐसे हमें बांधना है यहाँ, हम दो तीन बार बांध देंगे, ये हमने बांध दिया। अब इस धागे को भी हम इधर कर देंगे, और इधर करने के बाद ये देखिए यहाँ से कैंची लगा के हम कट कर लेंगे, ये हो गया। ये देखिए ये इस तरह का आया है, बॉल चेन को साइड करके पहले हम इसे सही कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें से हमें आधा आधा बांट देना है दो भाग में, जो हमने सिल्क थ्रेड अभी बनाया है इसमें से हमने दो भाग में कर लिया, और दो भाग में करने के बाद एक हमारी चेन हो गई। अब जैसे हम चोटी गुंथते हैं वैसे ही गुंथ देंगे इसे, ये देखिए एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है।
ये देखिए ये दो लेयर हमारी इसकी हो गई सिल्क थ्रेड की, और एक हमने ले ली है बॉल चेन से, बीच में थोड़ा सा गोल्डन टच आ जाएगा। अगर आपके पास बॉल चेन नहीं है तो आप सिर्फ सिल्क थ्रेड से ही चोटी गुथ लें और ऊपर से एक आध नग लगा दें गोल्डन कलर में। और अगर आप सिर्फ सिल्क थ्रेड का भी रखते हैं तो भी बेकार नहीं लगेगा, तो भी बहुत खूबसूरत लगेगी ड्रेस। ये देखिए ये हम पटका बना रहे हैं गोपाल जी के लिए, मैंने एक और इसी में का मरून कलर का बनाया है, तो मैं लगा के देखूँगी, अगर दोनों अच्छा लगेगा तो हम दोनों लगाएंगे, और अगर सिर्फ एक अच्छा लगेगा तो हम सिर्फ एक लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हमें लंबी सी चोटी गुथ लेनी है। चलिए मैं गुथ लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे में चोटी गुथ ली है, थोड़ा दूर बस बचा है हमारा, तो फिर हम यहाँ से अब इसे बांध लेंगे। हमने अपना ब्लू वाला धागा ले लिया है जिससे हम सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे अच्छे से हम बांधेंगे। तीन चार बार जब हम लपेट के बांधेंगे तो खुलने के चांसेस कम रहेंगे, तो इसलिए इसे हम अच्छे से लपेट के और फिर बांध लेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीके की ड्रेस है, बट देखने में और बहुत खूबसूरत लगेगा, इस पहनाने पे भी बहुत इजी है, इसे पहनाना भी और बनाना भी। तो आप ज़रूर ट्राई करिए गोपाल जी के लिए। ये हमने बांध दिया, अब यहाँ से धागे को छोड़ देंगे और ये जो हमारी बॉल चेन है इसमें से एक्स्ट्रा जो है हम कट कर देंगे। अब देखिए अगर आपके पास बॉल चेन नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ यहाँ पे एक एक नग लगा सकते हैं गोल्डन कलर में, यहाँ से जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कट कर देंगे। ये हो गया। ये देखिए हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया और दोनों पटका ले लिया है, तो देखूंगी जो कलर अच्छा लगेगा, और अगर दोनों अच्छा लगेगा तो दोनों लगा लिया जाएगा। सबसे पहले हम पहनाएंगे गोपाल जी को घेर, तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर है हमारा, और देखिए बहुत अच्छे से फिट आएगा कान्हा जी को, एकदम इनकी साइज़ का है। यहाँ से हम बांध देंगे। ये देखिए घेर हमारा प्रॉपर चारों साइड से आया है, ये नहीं है कि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा आया है, एकदम इक्वल हमारा चारों साइड से बहुत अच्छे से आया है। और अब हम पहनाएंगे चोली, तो पहले हमें गले पे बांधनी है। और फिर हम नीचे से बांधेंगे, तो नीचे से बांधेंगे तो ये थोड़ा और नीचे जाएगी, और फिर हम बांध देंगे। ये देखिए नीचे भी हमने दो डोरी लगाई है, तो इसकी हेल्प से हम इजीली बांध देंगे। आप चाहें तो बिना इन्हें इनके पटके के भी बना सकते हैं ये ड्रेस। और आई थिंक इनके बॉडी पे कहीं चंदन लगा है, मेरे हाथ पे लग रहा है बार बार। ये हो गया और ये है इनका पटका, ये देखिए कुछ इस तरह का। तो चलिए मैं सामने से दिखाती हूँ कि ये पोशाक इनके ऊपर कैसी लग रही है। ये देखिए हमने यहाँ पे इन्हें पोशाक पहना दिया और एक ही पटका दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। कि अभी मैं यहाँ पे कुछ ब्लू कलर में बूटी लगा दूँगी, क्योंकि पटका ब्लू है तो ब्लू बूटी रहेगी तो अच्छी लगेगी। और ये है ड्रेस, फ्रिल चारों साइड से आई है, तो आपने देखा इसे बनाना कितना इजी था, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।